चलिए अब बात करते हैं दिल्ली में एमसीडी चुनाव के घमासान की। तो आम आदमी पार्टी विधायक गुलाब यादव की पिटाई का वीडियो सामने आया है। मीटिंग में नाराज कार्यकर्ताओं ने कॉलर पकड़कर मारा है विधायक को, तो वहीं मुक्के मारे गए हैं। अब विधायक को बैठक से भागना पड़ा। शाम बिहार में बैठक लेने पहुंचे थे यादव। इस घटना पर आम आदमी पार्टी का नहीं आया कोई बयान। भाजपा ने वीडियो पर कसा है तंज। टिकट बेचने के आरोप में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यादव की पिटाई की है। तो ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की यहाँ पर हुई है। तो दिल्ली के सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के साथ सोमवार रात को कुछ लोगों ने मारपीट की। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि विधायक खुद को बचाने के लिए भाग रहे हैं जबकि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। गुलाब के साथ लोगों ने धक्का मुक्की की, कॉलर पकड़कर मुक्के भी मारे। हालांकि इस घटना पर आम आदमी पार्टी का फिलहाल कोई बयान नहीं आया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। तो सोमवार रात करीब 8 बजे श्याम विहार में अपने कार्यकर्ताओं के साथ विधायक गुलाब सिंह यादव बैठक कर रहे थे, उस दौरान ये घटना हुई। तस्वीरें भी जरा आप इस घटना से जुड़ी हुई देखिए। तो बैठक के दौरान अचानक हंगामा शुरू हो जाता है। आम आदमी पार्टी के आक्रोशित कार्यकर्ता विधायक के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं, उनका कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की भी करते हैं। जैसे ही यादव बाहर निकलने की कोशिश करते तो कार्यकर्ता उनका पीछा करते हुए उन्हें मुक्के मारते हैं। अब इसी पूरे घटनाक्रम को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गणेश पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, देखिए जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की किरकिरी हुई है जहां एक और एमसीडी चुनाव का घमासान मचा हुआ है। देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो विधायक है और आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरीके से लगातार टिकट को लेकर मामला सामने आ रहा है, तो वही एक वीडियो कल सामने आया जिसमें मटियाला से आम आदमी पार्टी के विधायक है गुलाब सिंह और उनके साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो की मारपिटाई हुई उनके साथ। और पूरी तरीके से उस वीडियो के अंदर अपशब्द भी कहे वो सुनाई पड़ रहे हैं। और यहाँ तक मैं बता दें कि विधायक को उस जगह को छोड़कर अपनी जान तरीके से भागना पड़ा क्योंकि जो कार्यकर्ता थे पूरी तरीके से नाराज थे टिकट को लेकर। इससे पूरे मामले को लेकर उन्होंने छावला में शिकायत भी की है। वही पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से अगर हमने बीते दिनों की बात करें तो पार्टी लगातार कह रही है कि पार्टी के अंदर जो टिकट का वितरण हुआ है किसी भी तरीके से कोई धांधली नहीं हुई है। सभी को हमने सर्वे के आधार पर टिकट दिया है, कोई पैसे के आधार पर किसी को भी टिकट नहीं दिया, कोई बल के आधार पर टिकट नहीं दिया। लेकिन अब जिस तरीके से टिकट को लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आम आदमी जिस तरीके से कल अगर हमने देखा तो दिल्ली आम आदमी पार्टी के तिमारपुर से विधायक दिलीप पांडे उन्होंने कहा कि इस बार नगर निगम में आम आदमी पार्टी से जो टिकट के लिए उम्मीदवार दावेदारी बहुत लोगों ने पेश किया, लगभग 20,000 से अधिक लोगों ने आम आदमी पार्टी से टिकट लेने की मांग की। तो देखिए इस तरीके से जो वीडियो आ रही है गुलाब सिंह के साथ जिस तरीके से टिकट की जो बिल्कुल। गणेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पूरी जानकारी के लिए।